आह्वान के बम्पर हिट के बाद अब अटली का नया प्लान भी सामने आ गया है। अटली एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि इस बार कोई एक्शन फिल्म नहीं बनेगी, इस बार एक अलग किस्म की फिल्म बनेगी। जी हाँ, जवान के डायरेक्टर ने कहानी के प्लॉट से भी पर्दा उठा दिया है। तो अगर एक्शन वाली फिल्म नहीं तो फिर किस किस्म की फिल्म शाहरुख के साथ बनाना चाहते हैं अटली? क्या ये कोई स्पोर्ट्स ड्रामा होगी या कोई पीरियड ड्रामा या फिर रोमांटिक फिल्म होगी? दरअसल जवान के डायरेक्टर अटली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान के साथ एक रोमांटिक फिल्म बनाने की अपनी विश का खुलासा किया है। इस अपडेट ने उन फैंस के बीच एक्साइटमेंट के लेवल को हाई कर दिया है जो लंबे समय से रोमांटिक फिल्मों में शाहरुख खान के फेमस रोमांटिक अंदाज के कायल होते रहे हैं। इंटरव्यू में अटली ने शेयर किया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान से मिले थे तो उन्होंने उनकी रोमांटिक कॉमेडी राजा रानी की तरह ही एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा था। हालांकि शाहरुख खान ने अटली वर्ल्ड की खोज में अपनी इंटरेस्ट दिखाई। इस पर आगे बताते हुए अटली ने कहा, देखिए जब उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनसे मिला तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ राजा रानी के फील्ड में कुछ बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसी फिल्म चाहते हैं जो अटली जगत से कनेक्टेड हो। उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी कोशिश नहीं किया है, इसीलिए उसे अपनी दुनिया में लाने के लिए मुझे कुछ नया लेकर आना होगा। लोग थिएटर्स में जो कुछ भी एंजॉय कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं वो सब शाहरुख खान सर के जरिए मुझे दी गई सोच की वजह से है। ऐसे में जवान में अटली ने शाहरुख खान को सक्सेसफुली रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो में बदल दिया। पूरी तरह से शाहरुख का काया पलट हो गया। पठान से भी कई गुना ज्यादा जवान एक्शन वाली फिल्म बनी। उन्होंने शाहरुख खान का एक मास अवतार बनाया, एक ऐसा फैक्ट जो उन्हें लगा कि कुछ हद तक अननोन है। डायरेक्टर का मानना था कि शाहरुख खान इस फील्ड में पूरी तरह से नहीं उतरे हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि शायद शाहरुख इसे उनके लिए बचा रहे थे। अटली ने आगे कहा, मैं शाहरुख खान का एक मास अवतार बनाना चाहता था, मुझे लगता है कि वो फील्ड थोड़ा अननोन था। उन्होंने भी इसकी खोजबीन नहीं की थी, शायद वो इसे मेरे लिए बचा रहे थे। हालांकि डॉन जैसी फिल्मों के साथ शाहरुख बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन मास लेयर पेंडिंग थी तो मैंने इसे पकड़ लिया। एक राइटर डायरेक्टर के रूप में मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। रिजल्ट ये रहा कि जवान एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर था जिसमें सोसाइटल रॉन्ग्स को सुधारने के लिए तैयार एक व्यक्ति को रोमांस से एक्शन पर शिफ्ट किया गया। रोमांस से एक्शन की ओर बदलाव के बावजूद अटली शाहरुख खान को फैन सर्विस देने और अपनी कहानी के ओरिजिनलिटी पर टिके रहने के बीच बैलेंस बनाने में सक्सेसफुल रहे। कुल मिलाकर शाहरुख खान के साथ अटली रोमांटिक फिल्म बनाने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने छेड़ दी है। इतना ही नहीं, फैंस ने जवान में शाहरुख खान के चेंज को खूब एंजॉय किया है। ऐसे में शाहरुख के साथ एक रोमांटिक फिल्म बनाने को लेकर अटली के विश को जानने के बाद से फैंस एक्साइटेड हो गए हैं और अब फैंस अटली और शाहरुख खान के बीच आने वाले टाइम में एक और कोलैब का वेट कर रहे हैं। और तो और, कोई भी सोच नहीं सकता कि वह रोमांस के फील्ड में क्या मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। वेल, आप बताइए, आप भी क्या यही चाहते हैं कि अटली की फिल्म में शाहरुख खान रोमांटिक हीरो के तौर पर काम करें? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।